हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीतू फूड रेसिपी। आज मैं आप लोगों को जलेबी बनाना सिखाऊंगी। जलेबी बहुत ही इजी बनाना मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। आइए आपको जलेबी बनाने के इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने एक कटोरी उड़द की दाल लिया है। उड़द की दाल को आपको 8 घंटे भिगा के रखना है और उसके बाद जो है फिर इसको मैं इसका पानी निकाल के इसको सोक कर दूंगी। उसके बाद मैं इसको पीसूंगी। इसमें ये है 1/4 कप चावल का आटा। अगर आप साबूता चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको भी 1/4 ले लीजिए और उसको आप भिगा दीजिए। उसके बाद जो है आप दाल के साथ चावल को पीस लीजिए। अगर आपके पास पिसा हुआ चावल है तो आप जो है 1/4 कप लेके ले सकती हैं। ये है 1.5 कप चीनी और ये है फूड कलर। आइए मैं बनाने की विधि बताती हूँ। ये देखिए, ये दाल को मैं पीसूंगी। इसमें मैं डाल दूंगी ये चावल का आटा और थोड़ा सा फूड कलर। और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा। मैं इसको पीस लेती हूँ। इसको पीस लिया है और आपको इसकी थिकनेस ऐसे ही रखनी है। अब आइए मैं आपको बनाना बताती हूँ। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये देखिए, एक पैन लिया है मैंने। इसमें मैं डाल दूंगी चीनी। और इसमें मैं डालूंगी 1 कटोरी पानी। इसकी चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनती है, पतली बनती है। और इसको पकाऊंगी मैं। 1.5 कटोरी मेरी चीनी थी और 1 कटोरी मैंने इसमें पानी डाला है। इसकी चाशनी जो है वो बहुत गाढ़ी नहीं होती है, पतली होती है। ये देखिए, आपको इसको पकाना है। फ्लेम को कम कर दीजिए और इसको बीच बीच में चलाते रहिए, एक जब तक हमारी चीनी गल ना जाए। ये मैंने एक पैन लिया है, अब मैं गैस ऑन करूंगी। और इसमें मैं डालूंगी ऑयल। जब तक मेरा ऑयल गर्म होता है तब तक मैं कोन बना लेती हूँ। इस कोन में मैं इसको भरूंगी।
इसको मैं चला रही हूँ। ऐसे आपको इसको पकाना है। गैस की आंच को कम कर दीजिएगा। ऐसे आपको कोन बना लेना है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा कट कर दूंगी। ये देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ से कट कर दूंगी। थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ कि मेरा ऑयल गर्म है कि नहीं। मेरा ऑयल हो चुका है। आइए अब मैं जलेबी बनाना स्टार्ट करती हूँ। बस आपको धीरे हल्के हाथों से इसको गोल गोल घुमाना है। ये देखिए ऐसे ऐसे आपको करके इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा आपको हिलाना नहीं है। ये देखिए मेरी जलेबी फ्राई हो रही है। ये अपने आप जो है ऊपर आ जाएगी। साथ ही साथ मैं चाशनी को चलाती रहूँ। देखिए मेरी चाशनी भी तैयार है। ऐसे आप उसको चलाते हैं। ये देखिए मेरी जलेबी फ्राई हो गई। आप इसको पलट दीजिए। ये देखिए मेरी चाशनी बनके तैयार हो गई है। आपको ऐसे ही रखना है इसको। बहुत ज़्यादा गाढ़ी हमें नहीं चाहिए, हमें पतली चाशनी चाहिए। जलेबी की चाशनी हमेशा पतली ही बनती है। ये देखिए मेरी चाशनी बनके तैयार हो गई है। अब मैं गैस को बंद कर दूँगी। ये देखिए मेरी जलेबी भी फ्राई हो गई है अच्छे से। अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी। इसको मैं ऐसे डालती जाऊंगी। देखिए अब ऐसे करके मैं सारी जलेबियों को बना लूंगी। देखिए ऐसे तो आपको चलना, बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत तेज आंच पे इसको मत बनाइएगा। फ्लेम थोड़ा सा कम ही रखिएगा, मीडियम फ्लेम पर बनाइएगा। इसको हम 2-3 मिनट तक के लिए
भिगाएंगे, फिर इसको निकाल देंगे। ऐसे आप इस सारी जलेबियों को निकाल लीजिए 10 मिनट। चलो बस ये देखिए मेरी जलेबी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।